डियर स्टूडेंट्स, TG2 का ये MS वर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने मैं रख रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैंने वाटर मार्क स्टडी किया था, स्टडी कराए थे, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे भी मैंने बता दिया था और आप मे भी समझ गए होंगे क्योंकि आपने हमसे क्रॉस क्वेश्चन तो रखा नहीं है तो समझ ही गए होंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट होता क्या है सबसे पहले जानेंगे। ये एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट या कैरेक्टर या नंबर को पावर, इसको हिंदी में कहते हैं घात, के रूप में दिखाने की प्रक्रिया सुपर स्क्रिप्ट कहलाती है। शॉर्टकट CTRL प्लस Shift प्लस प्लस होता है। यहां देखेंगे सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है। ठीक, तो सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड, कैरेक्टर्स, नंबर्स या सिंबल्स को पावर के रूप में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सुपर स्क्रिप्ट कहलाती है। अब यूं समझ लो कि अगर हम कहें कि आपको एमएस वर्ड में किसी भी चीज को, तो क्या हमने लिखा, मैंने सारा चीज लिख दिया, दिखाने की प्रक्रिया सुपर स्क्रिप्ट, इसका शॉर्टकट की आपके सामने मैंने CTRL प्लस Shift प्लस प्लस, तो प्लस ये देखो, ये प्लस केवल कॉम्बिनेशन के प्लस साइन का हमको यूज करना पड़ेगा एट द सेम टाइम। तीनों वर्ड, तीनों बटन्स को एक साथ दबाएंगे तभी यह काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फिर बात करते हैं, जैसे मैं बता दूं, अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए कोई कंटेंट है H2O, अब इसको हमको लिखना है H2H2O या X2Y2 लिखना है तो क्या करेंगे, तो इसलिए X2Y2 आप टाइप करेंगे, फिर इस वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, देन ये शॉर्टकट की का यूज करेंगे तो जो इसका रिस्पांस आएगा X2 and Y2 आ जाएगा। ये इसका एग्जांपल्स है, क्लियर है, यानी ये आपका एग्जाम्पल है किसका, सुपर स्क्रिप्ट का, ये आपका एग्जाम्पल है सुपर स्क्रिप्ट का, क्लियर, जो नॉर्मल टेक्सिंग हो रही थी उससे ऊपर लिखने की प्रक्रिया। अब आप देख लो एमएस वर्ड में देख लेते हैं, आपके सामने एमएस वर्ड ओपन हुआ है, मान लीजिए हम यहां पे टाइपिंग करना शुरू कर रहे हैं, सपोज एक वर्ड है, हम मान लीजिए लिखते हैं वही है X2Y2, यहां लिख दिया। अब हमको क्या करना है, 2 को पावर के रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे हम यहां पे 2 को, यहां पे देखें सारा सेलेक्ट हो गया है, हम यहां पे 1 by 1 सेलेक्ट करेंगे, 2 एक सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद देखो दो तरह से है, एक तो देखो यहां पे एक एरिया दिख रहा है स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में, आप इस पे भी क्लिक कर देंगे तो वह स्क्वायर बन जाएगा। दूसरा मैं शॉर्टकट की बताता हूं, जहां पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस का यूज करना है, देखो आपका ये आपका हो गया। यही अगर आप
केवल कंट्रोल के साथ प्लस का यूज करते तो आपका सेम एजिटी आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह के फंक्शंस को इसको लेना है तो इसको हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इनको हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन अगर आप चाहें तो एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल दबा के फिर इसको भी हम सेलेक्ट कर ले, देन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्लियर हो गया? तो कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आप जब भी ऐसे लिखेंगे तो टू टू को सेलेक्ट करेंगे देन उस शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे तो आपका रिस्पांस ये मिलेगा। इसी का ठीक अपोजिट एक आता है बेस के रूप में लिखने की प्रक्रिया, यानी उसको लोग बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। एमएस वर्ड में किसी कैरेक्टर नंबर टेक्स्ट इत्यादि को बेस के रूप में, ब्रैकेट में इसको हिंदी में कहते हैं आधार, लिखने की प्रक्रिया सबस्क्रिप्ट कहलाती है। इसका शॉर्टकट की CTRL प्लस इक्वल होता है। इसमें अगर बात करें जैसे मान लीजिए कोई यूजर लिखना चाहता है H2O, आपने पढ़ा होगा H2O का मतलब पढ़ा होगा आप, इसको 2 को सेलेक्ट कर लेंगे पानी का फार्मूला निकालना है तो इसको हम H2O लिख सकते हैं। जब इसको सेलेक्ट करके वो शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे तो यह ऐसे बन जाएगा। क्लियर है? फिर नहीं समझ पा रहे हैं तो मान लीजिए हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट वाली, हम बताते हैं कोई भी एक फार्मूला लगाते हैं P2SO4, तो देखेंगे हम सबसे पहले P2SO4 लिखेंगे। अब क्या है P2SO4 का मतलब होता है कि 2 नीचे रहना चाहिए 4 नीचे रहना चाहिए, हम क्या करेंगे 2 को सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। रैंडमली सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल बटन जरूर दबा लीजिएगा देन माउस का यूज करिएगा। कंट्रोल बटन दबाकर 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं देन 4 को भी कर सकते हैं और भी किसी नंबर को रैंडमली आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल बटन उस समय दबाए रहना होगा। इसको अगर अप्लाई करते हैं ये शॉर्टकट की का प्रयोग जैसे ही करेंगे तो आपका हो जाएगा P2SO4। ठीक है? तो मैं देख लो एमएस वर्ड में किसी कैरेक्टर नंबर से टेक्स्ट इत्यादि को बेस के रूप में लिखने की प्रक्रिया या दिखाने की प्रक्रिया सबस्क्रिप्ट कहलाती है, इसका शॉर्टकट की ये होता है। क्लियर? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फंक्शंस रोल अदा कर सकता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसका एमएस वर्ड का नेक्स्ट टॉपिक हेडर। हेडर के बारे में जानते हैं, हेड कहां होता है, सबसे ऊपर होता है। इसी तरह से जैसे हमारा सर जो सबसे ऊपर है, इसी तरह से किसी भी डॉक्यूमेंट में हेडर फाइल जो है सबसे ऊपर होती है, ये भी ध्यान रखिएगा हेडर फाइल। ठीक, अगर हेडर फाइल आप नहीं लिखना चाहते हैं तो केवल हेडर लिखिए, क्योंकि हेडर एंड फुटर आपको मिलता है। फुटर का मतलब फुट कहाँ होता है, पैर कहाँ होता है, नीचे होता है, इसी तरह से फुट भी वहां पे नीचे हो जाएगा फुटर। तो हेडर सबसे टॉप पर होगा, तो इसका मतलब ये हुआ एमएस वर्ड
वायरस वर्ल्ड के डॉक्यूमेंट पेज में सबसे ऊपर पेज से रिलेटेड सूचनाओं को जैसे पेज नंबर डेट टाइम इत्यादि लिखने के लिए हेडर का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं इसके शॉर्टकट की, इसका कोई शॉर्टकट की नहीं होता है, बट इसका शॉर्टकट की Alt प्लस N, उसके बाद होता है लेकिन इसके बाद टैब का प्रयोग करना पड़ेगा। टैब बटन का प्रयोग होगा, यानी इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि हेडर का मतलब होता है कहा। अब जो नेक्स्ट लाइन इसमें है वो ये होगी, क्वेश्चन में आता है कि हेडर फाइल हेडर होता कहाँ है, तो पेज पेज के सबसे ऊपर हेडर होता है। एक चीज और है, कभी क्वेश्चन आता है कि क्या किसी एक पेज पर हेडर फाइल बनाने के बाद क्या वो हेडर फाइल सभी का सिमिलर होगा। मैं बता दूं, किसी भी पेज पर हेडर फाइल क्रिएट करें सब पर एक साथ अप्लाई हो जाएगा। चलो देखते हैं पहली लाइन से, चलो देख लो पहली लाइन से देखते हैं। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में पेज के सबसे ऊपर पेज से रिलेटेड सूचनाओं को जैसे पेज नंबर डेट हो गया टाइम हो गया इत्यादि को लिखने की प्रक्रिया हेडर कहलाती है। मतलब इस पेज पे केवल पेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही होती है। कैसे होती है मैं अभी आपको एक एग्जांपल एमएस वर्ड में दिखाता हूं। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल आल्ट प्लस एन होता है, लेकिन यह शॉर्टकट की के बाद जो है टैब बटन का यूज करेंगे तब यह काम करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। पेज के सबसे ऊपर हेडर होता है। किसी भी हेडर फाइल को क्रिएट करने मतलब आपके पास मान लीजिए 20 पेज का डॉक्यूमेंट है, आप 10वें पेज पे जाके हेडर बना रहे हो, तो आप 10वें पेज पर हेडर बनाओ तो सभी पेज पे बाय डिफॉल्ट लागू हो जाएगा। जैसे कल वाटरमार्क मैंने पढ़ाया था, तो वाटरमार्क भी किसी भी पेज पे बनाए सारे पेज पे सेम दिखेगा, लेकिन हेडर के साथ ऐसा नहीं है। हेडर में अगर आपने पहले पेज पे पेज नंबर 1 लिखा है तो दूसरे को बाय डिफॉल्ट 2 लिख लेगा, तीसरे को बाय डिफॉल्ट 3 लिख लेगा, ठीक है। वो यानी पेज नंबर चेंज होते रहेंगे। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको एमएस वर्ड में लेके आता हूं। अगर मान लीजिए यहां पर हम हेडर फाइल एड ऑन कर लेते हैं, तो हेडर फाइल हम इंसर्ट में जाएंगे, तो देखो इंसर्ट में आने के बाद हम क्या करेंगे, अगर मैंने शॉर्टकट की बताया है आपको Alt प्लस एन प्रेस कर दो, तो देखो ये सारे के सारे मेन्यू सेलेक्ट हो गए,
इसके बाद टैब बटन का यूज करेंगे तो देखो यहाँ पे रैंडमली इधर उधर जा रहा, तो देखो यहाँ पे हेडर ऊपर है, यहाँ हेडर है, अगर हमने हेडर को इंसर्ट कर दिया तो देखो यहाँ पे तीन तरह के हेडर्स बनते हैं। पहला या तो लेफ्ट में बनाएंगे, लेफ्ट मिडिल सेंटर, मतलब लेफ्ट सेंटर है, राइट में बनाएंगे जिसको माने हमें इसको चूज कर लिया, तो देखो यहाँ पे लिखा टाइप हेयर, तो टाइप हेयर में अगर हमने लिख दिया वन, केवल वन लिख दिया और एंटर प्रेस कर दिया, यानी यहाँ पे कहीं भी हमने टाइपिंग कर दिया। अब हम जो भी सेकंड पेज लेंगे, देख लो अब हम जो भी पेजेस लेंगे तो मैं यहाँ पे पेज वन 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 सिमिलर दिखा रहा है, देखो वन यहां भी है, वन यहां भी है, ठीक। तो यहां पर आपको पेज के कंटेंट या टाइटल्स लिखने के लिए यूज किए जाते हैं, तो हेडर फाइल्स को हम टाइटल में यूज कर सकते हैं। पेज नंबर का सबसे ज्यादा यूज जो है फुटर में किया जाता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में या नीचे के सबसे राइट हैंड साइड में या सेंटर में यूज होता है। तो ये आपका हो गया हेडर, सबसे ऊपर होता है। देन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक होगा फूटर। फूटर का मतलब होता है सबसे नीचे, यहां पे लिख दो, मैं लिख देता हूं सबसे नीचे। भाई आपको आइडिया ही लग गया फूटर का मतलब होता है, फुट मतलब पैर, तो पैर कहां होता है आपके सर के ऊपर तो होता नहीं है, कंधे के ऊपर तो होता नहीं है, आपके शरीर के मिडिल में तो होता नहीं है, सबसे नीचे होता है फुट। तो इसका मतलब यहां भी फूटर भी अगर यूज करेंगे तो किसी भी डॉक्यूमेंट विंडो के पेज के सबसे नीचे पेज नंबर यूज करने के डालने इंसर्ट करने के लिए फुटर का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, ठीक। यहां पे देखेंगे एमएस वर्ड में पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए फोल्डर का प्रयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट पेज के सबसे निचले भाग में होता है, इसका शॉर्टकट की +N होगा, लेकिन इसके बाद टैब का प्रयोग करना अनिवार्य है। ठीक, इसका सीधा सा मतलब ये है, ठीक। तो एमएस वर्ड में अगर हम पेजेस को फूटर्स के रूप में यूज करना चाहते हैं, ठीक, तो उस केसेस में क्या करेंगे, सबसे निचले पेज का सबसे निचला जो भाग होता है जहां पे हम पेज नंबर डेट वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसे चीजों को हम लोग फूटर कहते हैं। शॉर्टकट कीज दोनों का सेम होता है,
कहीं डिफरेंट नहीं होता है। इसके बाद आपको टैब का यूज करना अनिवार्य है, टैब नहीं यूज करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। चार टॉपिक को आपको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम्स होगा तो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिएगा। गुड डे, हैव अ नाइस डे।